अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और सबसे पहले मैं ये फ्रूट देने जा रही हूँ अपनी सास माम को, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं अपने लिए नाश्ता बना लाई हूँ। और आज रूम के मैंने सारे कर्टन वगैरह धुलने के लिए दे दिए हैं, तो रूम की शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। कर्टन तो वॉश हो रहे हैं और माहिरा समझ रही है पता नहीं आज रूम में क्या हुआ है। और इधर मैंने एसी की वजह से चादर लगा दी है ताकि हमारा रूम इधर से थोड़ा सा बंद रह जाए, और एसी खोलूंगी तो उसकी कूलिंग बनी रहे। और माहिरा ये सब देख के बहुत खुश है, माहिरा को बहुत पसंद आ रही है, वाओ 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 कर रही हैं। और माहिरा को मैंने पहनाए थे ये वाले कपड़े, माहिरा ने स्कर्ट गीला कर लिया तो मैंने स्कर्ट चेंज करके ये पहना दिया इनको। इनको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, इनको साबुन बर्बाद करना था, मैंने इनसे ले लिए। तो ये बहुत गुस्से में एंग्री मैन बनी हुई है, नहीं एंग्री बर्ड बनी हुई है। यहाँ माहिरा सो गई हैं और अफनान भी जस्ट आने वाले हैं। और भैया मुझसे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप कौन सा कॉलर यूज़ करती हो, उन्होंने मेरे सर्वाइकल पेन के बारे में सुना तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कॉलर यूज़ करो। तो सर मैं ये वाला कॉलर यूज़ करती हूँ, इस कॉलर में कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी उलझन होती है इसको लगा के, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा ही चक्कर आते हैं या गले में नेक में मेरे पेन वगैरह होने लगता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, इससे आराम भी मिलता है, बट कंटिन्यू मैं इसको नहीं लगा पाती हूँ। और आपने कहा आपका पेन को काफ़ी आराम है इसको यूज़ करने से, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको रेगुलर यूज़ कर लूँ ताकि मुझे भी आराम मिल जाए थोड़ी। और आप मेरा ब्लॉग देखा आपने पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट, थैंक यू। और आपने मुझे सजेस्ट किया इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग देखते रहिए और आगे भी शेयर करते रहिए। तो सर ये है मेरा कॉलर, एक्यूश्योर का है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको कल दिखाऊंगी, बट मेरा कल वाला व्लॉग एडिट हो चुका था, उसमें ये क्लिप मैं और एडिट नहीं कर पाती क्योंकि मैं सेव कर चुकी थी वो वीडियो, तो इसलिए मैं इसको आज डाल रही हूँ। थैंक यू। मैं इसको इस पोजीशन में लगाती हूँ, मतलब ऐसे ही लगाया जाता है, मैं ऐसे ही लगाती हूँ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर, और ऐसे लगाती हूँ यहाँ पर नेक आ जाती है इस तरीके से। है तो सॉफ्ट, हार्ड नहीं है ये, बट थोड़ी सी उलझन वाली बात है, गढ़ता बढ़ता तो है नहीं ये मेरे, लेकिन बस थोड़ी सी मुझे उलझन होती है, गर्मी लगती है इसको लगा के, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बस, और कोई रीज़न नहीं है। अदरवाइज सॉफ्ट भी है ये, है तो बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ी सी मुझ में ही कमी है, मुझे हर चीज़ से मुझे उलझन होती भी है, ये मेरी बीमारी है एक। ओके आज हमें टाइम पर टाइम मिले, अरे मेरा कॉपी हाथ में लेकर आयो, कॉपी हाथ में लेकर आयो, आज फिर घर में मचा हुआ है धोबी घाट, सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, इधर धुले, आज मैंने अपने रूम के कर्टन भी धुलवाए हैं, अभी सूखे नहीं हैं, बिना पर्दों के तो रूम बहुत ही बुरा लग रहा है। और यहाँ लग रही है आयरन, मौसम भी ऐसा हो रहा है, बादल बादल आ रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन अभी कपड़े सूखे नहीं हैं, अभी कम से कम थोड़ी देर बारिश ना हो, लगभग सारे कपड़े सूख जाएं सुकून से। हाय अल्लाह ये देखिए तबाही मचाई हुई है, ये देखिए सारी ब्रेड खीरे चटनी, सारा कुछ सामान फेंक दिया इन बंदरों ने। और हम लोग अभी जस्ट आधा घंटा हुआ होगा शायद हम लोग को अंदर रूम में गए हुए, और इतनी ही देर में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। इन्होंने हमारे ड्राइंग रूम से भी फ्रूट्स लेके भागे, अम्मी की कॉल आई तभी मैं उठी फौरन, और मैंने देखा यहाँ पर, मैंने इनको उठाया कि गन वन लेकर आए हैं, और बंदर तो फ़िलहाल भाग गए हैं गन देख कर, लेकिन नुकसान कर गए हैं बहुत ज़्यादा। में भी चलते हैं और देख के आते हैं कि अम्मी के पास कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, अम्मी की कॉल आई कि उनके रूम से फ्रूट्स तक लेकर भाग गए हैं, बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई, वो तो उनके तो पैर वगैरह में बहुत दर्द रहता है, वो भाग भी नहीं पाती, अपने आप को कैसे बेचारी कैसे बचाया होगा, देखती हूँ। चलो चलते हैं अंदर,
बंदरों के आतंक के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और बादल भी आ चुके हैं। फ़िलहाल तो मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। थोड़ा सा चिकन कोरमा बनाऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन ऐड कर देंगे और मैं बहुत थोड़ा सा कोरमा बना रही हूँ। बाकी सबके लिए तो खाना बन चुका है। अफनान की फरमाइश है कि उन्हें चिकन कोरमा खाना है, तो उनके लिए मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ। हम लोग का तो खाना बन ही चुका है और अफनान के लिए मैं थोड़ा सा चिकन मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि अफनान को जो वैरायटी चाहिए होती है फिर मैं उसी हिसाब से बिना मिर्च का बना देती हूँ, इसलिए अफनान का खाना थोड़ा अलग ही बनाती हूँ। आई हूँ मैं बनने के लिए है, और जब तक मैं अपने रूम का हाल सही कर लेती हूँ। ये कपड़े बारिश आ गई थी तो अर्जेंट में उठा लाई थी ऐसी, और ये कर्टन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से लगा लेती हूँ, अपने रूम को एकदम ठीक ठाक कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलूँगी। फ्रेंड्स क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा? ये पेन के निशान जो है छूटेंगे नहीं, स्कूल कैसे जाओगे गंदे हाथ लेके? भाई ने क्या किया, हाइपिस निकाल दी तुमने? चलो अच्छा आप लेटो आके, चलो शुरू करो। मायरा लेटे सोए, पाइने बिल निकाल दी मैं बच्चे की। तो दो ढाई कंटिन्यू अफनान को पढ़ाया मैंने, पढ़ा अफनान के साथ साथ, अफनान की सारी वर्कशीट कंप्लीट करवा दी हैं, बेड झाड़ दिया है, बच्चे बस अब सोएंगे फटाफट से, मैं इनको सुलाऊंगी। चलो सो जाओ आके फटाफट। भाई तुमने पिन क्यों निकाली माहिरा की? ये देखो जरा ये क्या कर रही हो, हमने कहा सोने लेटो, तुम लोग का ये ड्रामा जरूर होता रोज सोने से पहले। लाइट ऑफ कर दूं मैं? निन्नी कर लो। ओ बड़े मियाँ नीचे आ जाओ फौरन। ये देखो बाहरा की चांस, वन टू। चलो अच्छा बेटा बस बहुत हो गया। ओ अल्लाह खैर, मैं बच्चों को सुलाने ही जा रही थी और दोनों बच्चे भाग के दादी के रूम में चले गए हैं, तो बस मैं अब उन्हें लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं उन्हें फौरन सुला दूँगी। तो बस मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करूँगी। और एक बात और, सर आपने कहा था मुझे कॉलर लगा के दिखाइए, तो सर मैं कैमरे के सामने नहीं आती हूँ, तो मैं आपको लगा के नहीं दिखा सकती। मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर जैसे मैं यूज़ करती हूँ, कितना यूज़ करती हूँ। और बस मैं अपना ब्लॉग का भी यही एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।